हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। बोला गया साइन ए अपॉन में सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन प्लस कॉस ए अपॉन में कॉसैक ए प्लस कॉट ए माइनस वन इक्वल होगा 1 के। तो ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड, हमें प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में ओपन कर देंगे। ठीक है, जो साइन कॉस में पहले से ही है उनको चेंज करने जरूरत नहीं है, जो नहीं है उनको चेंज करेंगे। जैसे कि तो साइन पहले से ही है, सेक सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉसैक थीटा कॉसैक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा फॉर्मूला होता है 1 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। यानी मैंने सभी फॉर्मूलों को ओपन कर दिया साइन एंड कॉस की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे साइन है, साइन का साइन एज इट इज अपॉन में सेक, सेक की जगह 1 अपॉन में कॉस ए, टेन का साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस वन का माइनस वन प्लस कॉस आ गया मेरा एज इट इज, कॉसैक का 1 अपॉन में साइन ए, कॉट का कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1। इतना होने के बाद नीचे का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे हम, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे। इन दोनों का तो बेस सेम है, ये तो कॉस ही रहेगा, ऊपर वाला नंबर भी सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम होगा, बेस सेम है, क्या लिखा साइन ए, उन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर तो सेम आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का साइन ए। करने के बाद रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको, तो ऊपर जाके आ जाएगा रेसिप्रोकल साइन ए इनटू कॉस ए, जो नीचे था वो ऊपर चला गया तो नीचे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, नीचे तो ऊपर चला जाएगा साइन ए। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर देखे जाए 1 1 साइन साइन कॉस कॉस, फ़र्क क्या है, सिर्फ निशानों का, ये प्लस का है ये माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, निशान सेम नहीं है, दोनों को चलो सेम बनाते हैं साइन ए कॉस ए। इतना करने के बाद 1 प्लस जो साइन ए है मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया, साइन माइनस कॉस ए, ऊपर वाला नंबर कॉस ए साइन ए, इसको मैं ब्रैकेट में रख लूँगा, बट मेरे को क्या चाहिए साइन माइनस कॉस, तो मैंने यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर लूँगा तो जो माइनस वाला अंदर था वो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस का कॉस ए। अब देखो ज़रा साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस सेम हो गया, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम लेके 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, यह आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, ये भी अलग है ये भी अलग है, अगर अलग अलग हो दोनों नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ लिखा मैंने साइन ए एंड कॉस ए, ब्रैकेट इसको लिख देना है 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसे लिखेंगे कॉस ए साइन ए, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। करने के बाद देखो साइन ए माइनस कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए साइन ए इसमें भी है, दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने कॉमन निकाला साइन ए एंड कॉस ए, तो यहाँ पे कितना बचा 1, बाहर क्या है माइनस है तो अंदर वालों की साइन चेंज होंगे, जब मैं अंदर माइनस को ले जाऊँगा तो प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक, ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका, तो यहाँ यही बचेगा सेम नंबर, कितना है 1 प्लस, इसके बाहर तो प्लस है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए,
नीचे वाली जो टर्म है मेरी, ध्यान से देखा जाए, इसको अगर मैं ए मान लूँ और इस पूरे को मैं मान लूँ बी, ए प्लस बी, इसे मैं ए मान लूँ, इस पूरे को मान लूँ मैं बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसके डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा वन का स्क्वेयर माइनस में साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वेयर, साइन से साइन गया, प्लस का कॉस माइनस का कॉस गया, वन प्लस वन कितना हुआ टू, तो ऊपर क्या बचा टू साइन ए एंड कॉस ए, डिनोमिनेटर में वन। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी का, ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो इसका फॉर्मूला है। तो ए में कितना आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए, बी में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए, माइनस का टू साइन ए एंड कॉस ए कर दिया। करने के बाद ऊपर कितना बचा हुआ है टू साइन ए एंड कॉस ए, नीचे वन माइनस साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर किसके बराबर होता है वन के, माइनस टू साइन ए एंड कॉस ए कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे कि मेरा आया टू साइन ए कॉस ए, ब्रैकेट ओपन हुआ, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक, वन से वन कट गया, क्या बचा टू साइन ए कॉस ए, नीचे भी क्या बच रहा टू साइन ए कॉस ए, सेम सेम नंबर है, कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा वन। ये मेरी राइट हैंड साइड थी जो मुझे लेकर आनी थी, देखो जरा ये निकल के आ रहा है, और इसी के साथ मेरा वन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।